लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले कैसे शुरू हो रही है कहानी? कौन है रघु? साउथ इंडियन फिल्म्स में प्रभास के नाम का डंका बजता है। उनकी फिल्मों से फैंस को हमेशा ही काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। पिछले काफी वक्त से प्रभास अपनी फिल्म सालार के लिए चर्चाओं में है। सालार में प्रभास का एक दमदार रोल देखने को मिलने वाला है। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हसन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर्स शामिल होंगे। फिल्म के पोस्टर ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। विदेशों में तेजी से ड्रग्स माफिया अपने काम को बढ़ावा दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे ड्रग्स केसेस ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। फिल्मों के साथ साथ असल जिंदगी में भी ड्रग्स केसेस को देखा जाने लगा था। पुलिस को अपने खबरियों से एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जिसके नाम से पूरा ड्रग्स मार्केट चलता था, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो कौन है, क्या है, कहां से आया, कोई नहीं जानता। बस जानता है तो उसका नाम सालार। यह एक रात रघु, रम्या और रमा तीनों सो रहे हैं। कुछ ही देर में रघु के कान में कुछ आवाज पड़ती है। रघु उठकर देखता है कि रमा किसी दाढ़ी वाले इंसान से बात कर रहा है। रमा उस इंसान से कहता है, क्या बात कर रहे हो? ये छोटी सी पुड़िया 7 समुंदर पार से आई है। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं पक्का कल पैसे दे दूंगा। वो आदमी चला जाता है। रमा चोरी छिपे उस पुड़िया को अपने फटे हुए जूते में छिपा देता है। अगले दिन रघु सोकर उठता है। रमा घर में नहीं है। तब तक रघु को उस पुड़िया की याद आती है। वो चुपचाप जाकर रमा के जूते से पुड़िया निकालता है। ये क्या है? रघु उसे खोल के देखता है और थोड़ा सा पाउडर चखता है। ये क्या है गंदा सा? छी, ये कौन लाया इसे 7 समुंदर पार से? फिर घर के बाहर चला जाता है। आज फिर 3 दिन बाद पानी लेने की बारी है। पानी की लाइन में रम्या और रमा खड़े हैं। क्या मोड़ लेने वाली है रघु की जिंदगी? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।